टीवी सीरियल अनुपमा के अपमिंग एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद सा फैमिली दो घरों में बट जाएगी। दरअसल परितोष सा को जब ये कमाल का मौका नजर आया जब लीला किंजल और परिवार के बाकी लोग के वनराज की फिक्र हो रही थी, अब उसे तलाश करने के बारे में सोच रहे हैं होंगे। परितोष ये आरोप लगाएगा कि उसका पिता करोड़ों की दौलत के साथ फरार हो चुका है। तोसु कहेगा कि पापा खुद करोड़ों रुपए लेकर भाग गए और हमें इस दलदल में फंसा गए। तोसु की बातों पर किसी को यकीन नहीं होगा और सब शांत रह जाएंगे, खास तौर पर लीला बा, जिन्हें पूरा यकीन है कि उनका बेटा निर्दोष है और किसी भी सूरत में वह ऐसा हरकत नहीं कर सकता। लीला डर जाएगी और किंजल तब तोसु को शांत रहने की कोशिश करेगी, लेकिन वनराज ये आरोप लगाना जारी रखेगा। तोसु पिता ने सभी को धोखा दिया है। अनुपमा तभी कमरे में कदम रखेगी और उसे पूरी सिचुएशन पता चलेगी। अनुपमा तब तोसु को डांटेगी और उसे कहेगी कि अपने पिता पर आरोप लगाने से पहले जरा अपनी हरकतों के बारे में सोच, वह कहीं किसी जैसे घटिया हरकतें खुद ने की है उसके, वह अपने पिता पर आरोप ना लगाए, धोखा देने जैसी आरोप ना लगाए। अनुपमा की बातों पर नज़रअंदाज करते हुए तोसु कुर्सी खींचकर हॉल के बीच लाकर बिछाएगा और ऐलान करेगा कि अब वही इस घर का मुखिया है और तोसु कहेगा कि आप सभी उसके निर्देश का पालन करेंगे और चीज़ों के लिए उसे इजाज़त लेंगे। इस घटना के बाद साह परिवार के तोसु के खिलाफ हो जाएंगे, गिनती के लोग होंगे जो चाहे वनराज साह के जाने के बाद उसका बड़ा बेटा घर का मुखिया बने और जिम्मेदारी संभाले। वहीं दूसरी तरफ वे लोग होंगे जिन्हें इस बात का यकीन है कि वनराज साह ने कुछ गलत नहीं किया और देर सवेर वे लौट आएगा। तोसु का ये रवैया देख उसके लिए नुकसानदायक होगा क्योंकि घर के ज़्यादातर लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। इस सब के बीच दर्शकों को हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।